दोस्तों, J&K बैंक ने UPI प्लेटफॉर्म को अपडेट किया है, जिसकी वजह से आपको UPI पिन एक बार रीसेट करना पड़ेगा। आप ऐसा करने के लिए ऑथेंटिक एप्स जैसे गूगल पे, पेटीएम वगैरह पे जाके अपना पिन रीसेट कर सकते हैं। आइए पिन रीसेट करने का तरीका देखें। अगर आप गूगल पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पहले पेज पे अपने प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करें। प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करने के बाद आप दूसरे पेज पे आ जाएंगे, जहां आपको बैंक अकाउंट नंबर लिखा हुआ नजर आएगा। आप बैंक अकाउंट नंबर पे क्लिक करें। जब भी आप वो क्लिक करते हैं, एक और पेज खुलेगा जिसमें आपको फॉरगॉट यूपीआई पिन का ऑप्शन नजर आएगा। फॉरगॉट यूपीआई पिन पे आप क्लिक करें। आप वहां पे क्लिक करने के बाद ये आपसे आपको डेबिट कार्ड के लास्ट 6 डिजिट मांगेगा और वैलिडिटी। वो एंटर करने के बाद एक ओटीपी आएगा SMS के जरिए। वो ओटीपी इसमें एंटर करके आपसे आपका डेबिट कार्ड का पिन मांगेगा। आप अपने डेबिट कार्ड का पिन एंटर करें, उसके बाद आप अपना नया UPI पिन सेट कर सकते हैं 4 डिजिट का, और उसे कंफर्म करें। और जब भी आप UPI पिन को कंफर्म करेंगे, आपका UPI पिन रीसेट हो जाएगा।